शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक ली है। सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया। सिवनी नीमच के कई मुद्दों पर कलेक्टर एसपी से चर्चा हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पर अहम निर्देश सीएम ने दिए हैं। लव जिहाद और गोकशी पर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई। सीएम शिवराज ने सिवनी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, लव जिहाद और गोकशी ये सब नहीं चलेगा। जनपद पंचायत सीईओ को लेकर भी नाराजगी जताई। भू अधिकार आवासीय योजना के आवेदन के लिए जमीन देखे कहा और कहा कि हमें सभी गरीबों को जमीन का मालिक बनाना है। पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। जन भागीदारी का हमारा मॉडल बना हुआ है। नगरों और गांव में गौरव दिवस की सूची भेजे और सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बैठक की तस्वीर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सुबह 6:30 बजे से ये बैठक ले रहे हैं और आपको बता दें सिवनी और नीमच जिला के प्रशासन को उन्होंने तलब किया। ठीक है, उनके लिए जमीन सुरक्षित निकालना, हर एक को मुझे जमीन का टुकड़ा देना है रहने के लिए, वो छोड़ना नहीं। अब ये पेयजल पर ठीक से ध्यान, नगरों में साफ सफाई स्वच्छता के अभियान पर पूरी ताकत से ध्यान दें ताकि हम बेहतर रह सके। वो ये समस्याएं तो सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने तलब किया अपने इस वर्चुअल बैठक में और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सुबह 6:30 बजे से मुख्यमंत्री सक्रिय हो गए और एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया जिसमें वर्चुअली सिवनी और नीमच जिला प्रशासन के अधिकारी भी जुड़े। क्या ये बैठक अब भी जारी है और किस तरह के निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं सीएम की तरफ से? देखिए, अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री सुबह से ही बैठकें लेने का सिलसिला शुरू किया है क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एकदम नजदीक आ गए हैं। वैसे ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री की सक्रियता भी उसी तेजी से बढ़ी है और इस लिहाज से आज की बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सिवनी और नीमच कलेक्टर्स और जिलाधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने सिवनी कलेक्टर्स को कई बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं जिसमें सीईओ जनपद पंचायत जो है वहां के उनको लेकर बड़ी नाराजगी मुख्यमंत्री ने जाहिर की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि लव जिहाद और गौहत्या जैसे मामलों को संरक्षण देने वाले लोग या इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने नीमच और सिवनी दोनों कलेक्टरों को कुछ रिपोर्ट्स भी सौंपी है जो उनके पास फीडबैक आया है माफिया को लेकर और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन सब पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। पेयजल की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दोनों ही जिलों के कलेक्टर से जानकारी मांगी है और वहां स्थितियां दुरुस्त करने की बात कही है। जी बिल्कुल अनुराग, खबर ये भी कि जनपद सीईओ के कामों को लेकर भी नाराजगी मुख्यमंत्री ने जाहिर की है। बिल्कुल निश्चित रूप से जनपद सीईओ के काम को लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं क्योंकि अभी पंचायत चुनाव सामने है और लगातार पूर्व सरपंचों की और उसके अलावा जिला सचिवों की और ग्रामीणों की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक पहुंची है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं और जिस तरह की ये नाराजगी है उसका असर भी दिख सकता है। कलेक्टर जो है जनपद सीईओ पर एक बड़ी कार्रवाई अगले कुछ घंटों में बैठक के बाद कर भी सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।